ठीक है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्लास की और बात करते हैं होमोलैप्टिक। यहाँ पे देखिएगा, हम एक टर्म दिया हुआ है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स या फिर हेटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है वो पहले समझ लेते हैं, बाकी तो फिर आप लोग कहीं भी डिफाइन कर लोगे कि भाई ये होमोलैप्टिक है और ये जो है आपका हेटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। होमोलैप्टिक हेटरो, होमो का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेम रेयर, सेम और हेटरो का मतलब हो गया यहां पर डिफरेंट। ठीक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे आप देखोगे कि इन्होंने बोला हुआ है, हमने लिख रखा है, द कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड आर नोन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेट्रो में क्या हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड या नोन एज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया होगा, अब एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चल अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर मैं बात करता हूँ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हेट्रोलैप्टिक की, तो होमो का मतलब सेम और सेम लिगेंड होने चाहिए, मोर देन वन टाइप का लिगेंड नहीं, एक ही टाइप का लिगेंड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा आपका NH3 6, और यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट 3+। अब बताइए, इसमें अगर आपसे मैं ये कहूँ दोस्तों कि इसमें जो लिगेंड है सिर्फ और सिर्फ अमोनिया ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें दो तीन और लिगेंड इंक्लूड किए हुए हैं अमोनिया के एक्सेप्शनली, तो एक बताइए कि क्या इसमें एक ही टाइप का लिगेंड है कि नहीं, अमोनिया लिगेंड? सर। yes, तो ये होमोलैप्टिक हो गया। ठीक है, होमो लैप्टिक। चले एक हेटरोलैक्टिक का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि यहां पर ले लीजिए, ये रहा आपका कोबाल्ट EN एथिलीन डाई एमाइन ट्वाइस, और ये रहा आपका CL2 यानी कि क्लोरीन, और यहाँ पर हो गया है ये +4। अब बताइए, यहाँ पर एक एथिलीन डाई एमाइन लिगेंड है एंड एक क्लोराइड लिगेंड है, बताइए टू टाइप के लिगेंड है कि नहीं? यस सर। अब ऐसे लिगेंड को हम क्या बोल देंगे, सॉरी, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोल देंगे हेटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जांपल्स के साथ साथ कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया, हेटरो। हाँ, आगे बढ़ते हैं, और भी एक दो एग्जांपल्स जो है आप देख लीजिए, ये क्रोमियम N, ये तो बहुत भरा हुआ है, हाँ, NH3 2 NH4 Cl+, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये हेट्रोलैप्टिक हेटरोलैप्टिक ग्रेट। चल अगर मैं और ये कहूं आप लोगों से, एक ये रहा आपका FeCN6, ठीक है, 3+, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? होमोलैप्टिक अगर मैं यहीं पे इसको ऐसे बोल दूं कि ये रहा कोबाल्ट NH3 4 Cl2 और यहाँ पे कोबाल्ट 2+, ये कौन सा हो जाएगा? ठीक हेटरोलैक्टिक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज्यादा हमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ये दो चीजें हमें क्लियर हो गई, होमो और हेट्रो का मतलब क्या है, कि लिगेंड के बेसिस पर हमें डिफाइन करना है कि कौन सा होमोलैप्टिक होगा और कौन सा हेट्रोलैप्टिक होगा। डन, आगे बढ़े हम नॉमनक्लेचर की तरफ। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए कि हम नॉमनक्लेचर की बात कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर कितने कंपाउंड्स है, एक ये कंपाउंड है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे 5 कंपाउंड जो गिवन है ना, अगर मुझे इनका नाम लिखना है, मैं ऐसे लिख के किसी को बता नहीं सकता कि ये होमो कि हेट्रो है या कौन सा कंपाउंड है। तो अब होगा क्या दोस्तों कि इसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में अगर 15 स्टूडेंट हैं, तो मैं ऐसे उंगली दिखा के नहीं बोलूंगा कि आप उठ जाओ आप उठ जाओ, नहीं, स्पेसिफिकली मुझे, अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा अमाउंट हो, जहां भीड़ हो, उसमें से आपको अगर किसी एक को उठाना हो तो मुझे नाम पता होना चाहिए। सेम थिंग हैपन कि अगर कोई भी कंपाउंड है इनऑर्गेनिक का, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उनके नाम हमें लिखने आने चाहिए।
और ये बेसिकली नीट में एग्जाम में आता है, नीट में बोर्ड में भी आएगा 2 मार्क्स का लिखने के लिए, 2 मार्कर या 3 मार्कर ऐसे लिखने के लिए आए। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, कुछ सर्टेन रूल होंगे उसको हमें फॉलो करना है, कि नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं और उसके हिसाब से हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो चलिए आ जाए यहाँ पे देखिएगा, आयुपेक नॉमेनक्लेचर में शुरुआत करने से पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्या है आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज राइट साइड लिखा होगा, और अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये रहा आपका एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इस पे नेगेटिव चार्ज है तो जो कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेफ्ट साइड लिखा होगा। डन, बस इतना ही बताना था। आगे बढ़ते हैं, सर्टेन रूल की बात कर लेते हैं। रूल की कहानी क्या है, इन्होंने बोला कि भाई रूल नंबर फर्स्ट सर सुन लीजिए, कि द पॉजिटिव आयन इज रिटेन फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द नेगेटिव आयन, नेम ऑफ द नेगेटिव आयंस। ग्रेट, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले पॉजिटिव आयंस लिखेंगे और उसके बाद से फिर नेगेटिव आयंस का जो है हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसके एग्जांपल्स के साथ जब मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दोस्त यहाँ पे देखो आप लोग, ये रहा आपका K4, ठीक है, FeCN6, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर इसको मैं तोड़ दूं, क्या कर दूं दोस्त, तोड़ दूं, तो क्या होगा, 4K+ एंड प्लस क्या हो जाएगा, FeCN6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4- होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर, सभी लोग रिस्पॉन्ड करते रहिएगा और जहां डाउट हो तुरंत पूछ लीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशंस। अब देखिए, अगर मैं अब आपसे कहूं, मैंने यहाँ पे तोड़ करके इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने ब्रेक करा और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोस्त ये रहा आपका पोटेशियम, एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा वाला निगेटिव आयन है, और आपको इससे पहले बताया भी था कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव आयन है तो पॉजिटिव काउंटर आयन किधर होगा दोस्त, लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे भी देखो, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसके लेफ्ट साइड आपका पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है दोस्त, कि देखिएगा, पॉजिटिव आयन्स इज रिटेन फर्स्ट, अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, पॉजिटिव आयन का, ये रहा सबसे पहले इसका नाम, और उसके बाद से द नेम ऑफ निगेटिव आयंस, यानी कि निगेटिव आयंस में ये है तो सेकेंड नाम किसका लिखोगे, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ये वाले पोर्शन का, पॉजिटिव आयंस सबसे पहले और उसके बाद से अगर किसी का नाम आपको लिखना है तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो सेकेंड पर इसका नाम लिखना है। डन, तो ये था। बात आती है यहाँ पर कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक आयन है तो उस पर ही पॉजिटिव आएगा। एक और कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं और उसको आप लोग समझिएगा, इस पे नेगेटिव था तो ये हो गया। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स आप देख लीजिए, CrNH3 6 और यहाँ पे क्या हो गया, Cl3, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे कि अगर आप इस पे ब्रेक करो, क्या करो, ब्रेक करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्रोमियम NH3 6, और यहाँ पर हो गया दोस्त 3+ एंड 3Cl-। एक बात बताइए, ये जो आयन है वो नेगेटिव है और ये जो है वो पॉजिटिव है, तो अब बताइए सबसे पहले नाम हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिखेंगे और फिर उसके बाद से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव वाला, तो फिर इसका हम नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यस सर, यस सर, समझ गए रूल क्या बोल रहा है। हो सकता है कि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है और जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है। देखिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर देख रहे हो ना आप, तो सेकेंड वाले में, और फर्स्ट वाले में निगेटिव चार्ज आ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको डिफाइन करना है कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको हम सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर मैं यहां पर बोलता हूं दोस्त, पहले वाले एग्जांपल में इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, अब इसमें सबसे पहले नाम किसका लिखोगे आप लोग, तो लिखोगे पोटेशियम, क्या लिखोगे, पोटेशियम, पोटेशियम,
जो जो मेटल है ना उसका सिंपल नाम लिख देना आपको, जो भी मेटल है उसका क्या लिखना है, सिंपल नाम लिख देना है। लेकिन अब आप क्या करोगे, इधर पॉजिटिव आयन किस पे, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर है कि नहीं, देखिए आप, यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए सर्टेन रूल्स हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें हैं, मेटल है और लिगेंड है, तो उनका हम नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे, तो उसके हिसाब से, ठीक है। कहीं भी डाउट आए तो पूछते रहिएगा। तो यानी कि अब इन दोनों में से सबसे पहले पॉजिटिव वाले का लिखेंगे फर्स्ट, एंड देन सेकेंड इसका नॉमनक्लेचर करेंगे, ठीक है। देखिए यस सर अब बात आती है कि पॉजिटिव आयंस यानी कि इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्रोमियम भी है और अमीन यानी कि लिगेंड भी है, अमोनिया, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिगेंड रूल नंबर टू पे चलते, चलिए आ जाइए। यहाँ पे देखो दोस्तों, रूल नंबर टू की अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने क्या बोला कि इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेटल और लिगेंड है उसको हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन नेमिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल क्या बोलता है, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द लिगेंड अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेट, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल था, मैं कोई भी इसमें से ले लेता हूँ एक, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, चलिए ये रहा आपका FeCN6H2+, ठीक है, या 2+ आप बोल सकते हो, हाँ चलिए, और 2+ लिख देता हूँ। अगर आपको ये पॉजिटिव आयंस है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नॉमनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्त, कि लिगेंड का नाम लिखोगे, किसका नाम लिखोगे, अब लीगेंड का बताइए। यहाँ पर ये साइनाइड है, क्या है, साइनाइड है, तो इसको लिखेंगे, अब बताइए, एक लिगेंड नहीं है, कितने लिगेंड है यहाँ पर, छह लिगेंड है, तो छह यस लिगेंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्सा साइन, क्या लिखेंगे, साइन। एक्सरसाइज इयन माइनस लिगेंड का नाम क्या होता है, साइनो, साइनाइड होता है, लेकिन हम साइनो यूज करेंगे, आगे क्लियर हो जाएगा बहुत सारी चीजें। अब बताइए, एक तो ये हो गया, यानी कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है, और मान लीजिए कि एक लिगेंड है तो आप क्या यूज करोगे, जो नाम है वही, दो अगर लिगेंड होगा तो क्या करोगे, डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो हेक्सा, सॉरी पेंट, छह है तो हेक्सा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर सिर्फ साइनाइड छह था, कोई दूसरे टाइप का लिगेंड नहीं था, तो आपने कहा कि भैया जो है जैसे है वैसे लिख दो, कोई हमें एतराज नहीं है सर, लेकिन एतराज तब आएगा दोस्त कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या था, एफ ई था, ठीक है, क्या था, एफ ई, और यहाँ पर क्या था, सी एन था, सी एन कितना हो गया, फोर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, एच टू ओ हो गया दो, ठीक है, और फिर उसके बाद से मैंने कहा कि सर अब 2+ हो गया, वही कॉम्प्लेक्स है। अब सर यहाँ पे मुसीबत ये आ गई है, रिकॉर्डिंग ऑन करा है ना मैंने, यस सर यस सर सारा जॉन करा है, हाँ ऑन है। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे साइनाइड सिर्फ अकेले था, तो हमने कहा कि ठीक है सर, छह लिगेंड है साइनाइड, तो हेक्सा साइनो, मतलब हेक्सा बता रहे कि छह साइनाइड लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अब सर यहाँ पे मुसीबत आ गई कि दो लिगेंड, एक साइनाइड भी है और वाटर भी है, ठीक है। वाटर यानी कि हम यहाँ पे नाम आपको पहले ही बता देता हूँ, H2O को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्वा, क्या बोल देते हैं, एक्वा, एक्वा और सी एन माइनस को क्या बोल देते हैं, साइनाइड, साइनाइड। यहाँ पे हम साइनो यूज करेंगे, क्यों करेंगे वो मैं बताऊंगा आगे। अब बताइए, इन दोनों में से कंपटीशन होगा, ठीक है, इन दोनों में से रेस होगी, कहाँ रेस होगी, अल्फाबेट में रेस होगी, ऐसे वैसे किसी ट्रैक पे रेस नहीं होने वाला, कहाँ होगा, एक अल्फाबेटिकल, मान लीजिए कि ए से बी, बी से सी, डी जेड तक जाइए, जो पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा मैंने कलर चेंज करके लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अब एक बात बताइए, ए और सी में से पहले कौन आता है दोस्तों, ए सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, एक्वा एक्वा।
ठीक है, लेकिन ये एक्वा मतलब कितना लिगेंड है ये? टू डाई, तो उसके लिए अपन कुछ करेंगे डाई, ठीक है। तो अब यहां से सुनिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद से मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया है दोस्तों। अब लिखोगे क्या आप डाई एक्वा। अब चार साइनाइड लिगेंड है तो इसको क्या लिखोगे आप लोग? टेट्रा। चार के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेट्रा यूज करते हैं कि नहीं करते? यस सर, यस सर। तो ये हो गया है टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। और ये तो हमने लिगेंड का नाम लिख लिया है दोस्त, अब किसका नाम लिखेंगे? मेटल का नाम लिखेंगे। इसके बाद से हम किसका नाम लिखेंगे? मेटल, मेटल का नाम। और उसके बगल में आप क्या करोगे दोस्त, कि स्क्वायर ब्रैकेट में चाहे ऐसे ब्रैकेट में उसका क्या लिखोगे? ओएस, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल का नाम और उसके बाद से ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लिखोगे। हम आगे रूल बढ़ेंगे तो हम उसके हिसाब से प्रोसीड करते हुए चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझ में आ गया कि भैया दो तरह के लिगेंड हो गए, तो हम कौन सा नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए मतलब जितना अच्छे से क्लियर होता रहे उतना ही अच्छा है। एफ ई, ये रहा आपका H2O4, C2O4, और ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पर चार्ज जो है वो प्लस है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप कंपटीशन करोगे भाई कि यहाँ पर जो है एक्वा और ऑक्सलेट, इसको क्या बोलते हैं? C2O4, 2 माइनस मैंने लिखा नहीं है, तो ये कौन सा लिगेंड हो गया? ओ एक्स वाला, याद आया, बाइडेंटेड लिगेंड। यस सर, ऑक्सलेट, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सलेट ऑब्वियसली ओ आखिरी में आ रहा है आपके अल्फाबेट में, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पर? मैं सिर्फ लिगेंड की बात करूंगा, तो ये हो गया आपका टेट्रा एक्वा, ठीक है, ऑक्सलेटो। क्या लिखेंगे? ऑक्सलेटो। अब बताइए, ये न्यूट्रल जीरो चार्ज है वाटर पर, और यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आगे रूल्स में बताऊंगा ऑक्सलेटो क्यों लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे इसको? ऑक्सलेटो, ठीक है, टेट्रा एक्वा ऑक्सलेटो। और फिर क्या लिखोगे? मेटल का नाम लिखोगे और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख दोगे। चलिए, लिगेंड तो हो गए, और कुछ और कुछ और कुछ एक आध दो एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट दोस्तों, ठीक है, चलिए आ जाइए। यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स मैं लिख रहा हूं, इस बार आप लोग बताइएगा मुझे। ये रहा NO2 थ्रायस, और ये रहा आपका NH3 थ्रायस। अब बताइए, इन दोनों लिगेंड में से नाम किसका पहले लिखा जाएगा? इसका नाम है एमीन और इसका क्या नाम है? नाइट्रो। ट्राई नाइट्रो, और उसके बाद से आप किसका नाम लिखोगे? मेटल का, और उसके बदले में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ ये वाला रूल्स तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई अल्फाबेट का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अल्फाबेट में कैसे रेस लगने वाली है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सेकेंड में। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है? फॉर द लिगेंड हैविंग नेगेटिव चार्ज यूज एज सफिक्स ओ, जैसे मैंने ऑक्सीलेटो लिख रहा था, ठीक है, तो उसमें हम क्या रखने हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी लिगेंड हो और उसके पास क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। क्या हो? नेगेटिव। तो हम क्या उसमें यूज कर देंगे? सफिक्स ओ यूज कर देंगे, और इसीलिए हम उसको ऑक्सीलेटो बोल रहे थे। चलिए आ जाइए, मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं। मान लीजिए कि सीएल माइनस है, इसका नाम क्या होता है? क्लोराइड। क्या नाम होता है? क्लोराइड। क्लोराइड, तो इसमें सफिक्स आपको ओ जोड़ना है। क्या ये निगेटिव लिगेंड है ना? किसके लिए? सिर्फ निगेटिव लिगेंड के लिए आपको सफिक्स उसमें ओ जोड़ देना है, तो इसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों? क्लोरीडो, क्लोराइड, ठीक है। अगर बी माइनस हो, ब्रोमाइड माइनस हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों? ब्रोमीडो,
ब्रोमाइडो बोलिए चाहे ब्रोमिडो बोलिए, आपको जो अच्छा लगे प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना सी एन माइनस है, तो इसका नाम होता है साइनाइड। क्या नाम होता है? साइनाइड। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साइनो। क्या बोलेंगे? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ओ टू माइनस है, एक ऑक्सीजन पर दो निगेटिव चार्ज यानी दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, तो अब इसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों? ऑक्सो। क्या बोलेंगे? ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे ऐसे हो जाए ओ टू टू माइनस हो, तो ये परऑक्साइड लिंकेज है। क्या है? परऑक्साइड। क्या? परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड। लेकिन इसको हम बोलते क्या देते हैं? पेरोक्सो। ओ जोड़ देते हैं, ठीक है, पेरोक्सो, पेरोक्सो, ठीक है। चलिए नोट करते रहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला तो आप लोगों का फेवरेट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्सो, ठीक है। हम अब बताइए, जितने भी निगेटिव लिगेंड्स हैं उनके सफिक्स में आखिरी में नाम के पीछे हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों? सफिक्स की तरह ओ। तो अब बताइए, क्लोरीन है तो क्लोराइड है तो क्लोरिडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडो, साइनाइड है तो साइनो, यहाँ पे ओ टू माइनस ऑक्सो, ये क्या हो जाएगा? पेरोक्सो। और हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो, ठीक है। सल्फाइड है, यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया? एस टू माइनस, तो ये सल्फाइड है तो इसको हम क्या बोल देंगे? सल्फीडो, ठीक है। चलिए कुछ अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि NH2 माइनस है, एक तो एमीन होता है NH3, लेकिन हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, तो ये क्या हो गया? एमाइन, तो इसको हम बोलेंगे एमीडो। क्या बोलेंगे? एमीडो, एमीडो, ठीक है। चलिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के लिए रहने देते हैं। चलिए आ जाए, अब एक चीज और है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं ये आप लोगों से कुछ और एग्जांपल्स दिखा दूं बाइडेंटेड लिगेंड की तरह, क्योंकि अच्छे से क्लियर करते हैं अगर कर रहे हैं तो। यहाँ पे देखिएगा सी ओ थ्री टू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। अब बताइए, ये कार्बोनेट आयन है तो इसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों? कार्बोनेटो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कोई बताएगा मुझे? चलो एक साथ, ऑक्सिलेटो। हाँ, अरे डाउट क्या करना, सीधा बोल दो, गलत होगा तो कौन सा मैं आ रहा हूँ और बहुत सारा वो क्या बोलते हैं, मैं वैसे मैं डांटता तो नहीं हूँ, कभी डांटा हूँ क्या किसी को? बेहिचक बोलो, गलतियां होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए SO4 2 माइनस, ये सल्फेट है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? सल्फेटो, सल्फेटो। ग्रेट, ये हुई ना बात। चलो बहुत बढ़िया, अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ NO3 माइनस, इसको बोल देते हैं नाइट्रेटो। नाइट्रेट है ये NO3 माइनस नाइट्रेट, लेकिन आप O जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये नाइट्रेटो। देखिए कार्बोनेटो, ऑक्सिलेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त कि ये रहा आपका ए, सॉरी सॉरी अच्छे से लिखता हूं मैं, सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस, स्ट्रक्चर बना दो ज्यादा अच्छा रहेगा, सी एच थ्री ये और ओ माइनस। देखिए यहाँ पे अगर मैं एच प्लस जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मैंने इसको हटा दिया कि लिगेंड की तरह काम करे, तो अब एसिटिक एसिड एसिटेट, तो अब ये कौन सा आयन हो गया? H+ निकाल दिया तो एसिटेट आयन, और इसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों? एसिटेटो। ग्रेट, चलिए एसिटेटो। चलिए बहुत बढ़िया, अब आपके पास आखिरी है एग्जांपल्स, ये रहा आपका दो एग्जांपल्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा, दो तो नहीं लिखूंगा, बसरते अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ओ एन ओ, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है? नाइट्राइटो। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। और उसके बगल में अगर ओ लिख दूं तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब चलिए इसी में अगर मैं ऐसे एन टू ओ ऐसे कर दूं, एन एनओ टू माइनस कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं,
नाइट्राइटो ये भी रहेगा, ठीक है, क्या रहने वाला है, ये भी नाइट्राइटो रहेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, नाइट्राइटो नाइट्राइटो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सो एमी। देखो ये क्या हुआ, ओ दे रहा है ना, ऑक्सीजन दे रहा है, दोनों नाइट्राइटो ही मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, एक बार ऑक्सीजन दे रहा है और एक बार कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, तो वहां से हम ओ लिख देंगे, तो ये बता रहे हैं, हम मेंशन कर रहे हैं कि ऑक्सीजन दे रहा है नाइट्राइटो का, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और नाइट्राइटो अगर एन आप लिख रहे हो तो इसका मतलब कि जो आपका नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि रूल नंबर सेकेंड तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, अब आते हैं कि रूल नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था, बी एंड सी पार्ट अब देखने चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था कि भाई आपके पास नेगेटिव लिगेंड था, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, तो आपने धूमधाम से ओ जोड़ जोड़ के आपने क्या कर दिया, उसका नाम लिखते चले गए। एक सेकेंड, आगे कोई स्लाइड है मेरे पास, नहीं है। तो अब बात आती है रूल नंबर सी में, आप लोग देखोगे दोस्त, इन्होंने बोला कि भाई इफ न्यूट्रल लिगेंड, मान लीजिए कि लिगेंड क्या है, न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट है, तब आप क्या करोगे, ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड का मतलब कुछ नहीं है, जो नाम है वही नाम लिखना है, क्या करना है, जो नाम है वही नाम उसके अंदर लिखना है, समझ गए आप लोग? चलिए, कुछ स्पेशल नॉमेनक्लेचर होंगे, उनको हम थोड़ा इग्नोर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, उनको थोड़ा मेमोराइज करेंगे, इतनी बार प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो हो जाएगा। चलिए, तो कुछ लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि ये रहा आपका H2O, तो इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, एक्वा, बताइए इस पे कोई चार्ज है क्या? नो सर। नो सर। तो सीधा का सीधा इसका स्पेशल नाम गिवन है एक्वा, तो हम एक्वा लिखेंगे। फिर उसके बाद से अगर मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ NH3, तो ये क्या हो गया आपका एमाइन, बोलिए चाहे एमाइन बोलिए, एमाइन नहीं, एमीन बोलना है इसको, ठीक है, ठीक प्रोनाउंसिएशन इसका एमीन है, ग्रेट, थैंक यू। अब देखिए ये जो है ना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कार्बोनिल, ठीक है, इसका नाम जो कार्बोनिल है तो कार्बोनिल रख दो, एक्वा का एक्वा, एमाइन का एमाइन, जो नाम है वही आप रख दो, उसमें कोई एतराज नहीं है। चलिए आगे, अगर एनओ होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल, क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल। अब बात करते हैं अगर कार्बन और सल्फर जुड़ा हो, तो आपको याद करो मैंने बताया था कि सल्फर को हम क्या बोल देते हैं, थाया, क्या बोल देते हैं, थाया, चाहे थाया, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हमने बोला कार्बोनिल, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कार्बन से सल्फर जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, थायो कार्बोनिल, थायो कार्बोनिल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, थायो कार्बोनिल। थोड़ी मेरी राइटिंग पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आ जाएगा, इतना हो गया है। एक कुछ और भी स्पेशल जो लिगेंड्स हैं उनको मैं मेंशन करूंगा ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट रहे, ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये रहा आपका नाइट्रोजन और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पिरिडिन, क्या बोल देते हैं, पिरिडिन, ठीक है, ये इतनी बार ऑर्गेनिक में पढ़ा दूंगा जीओसी में, ये आप लोगों को याद हो जाएगा, बस थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि पिरिडिन हमने कहीं सुना था, ठीक है। अब ये देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो पी वाई से, अगर कहीं आपको पी वाई कॉम्प्लेक्स में दिखा हुआ मिल जाए तो आप क्या मानोगे कि भाई ये वही पिरिडीन वाला लिगेंड है जो मोनोडेंटेड है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, डन, डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैं आप लोगों से बोलूं कि ये रहा आपका CH2, ये रहा NH2 और ये हो गया NH2, अब बताइए इसको मैं EN लिख दूं तो किसी को एतराज, समझ गए क्या लिखा हुआ है, एथिलीन डाई एमाइन, और इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्या है आपका,
ऐसे नॉर्मल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स और कोई ठीक है दोस्त, इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलिए हमने देखा कि भाई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हमने देख लिया, इस वाले राइट साइड आप आओगे तो आपने देखा न्यूट्रल लिगेंड्स भी पॉसिबल होते हैं, वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं ना कि कुछ कुछ ही ज्यादा नहीं होते, 3 से 4 आपको पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? 3 से 4 आपको कैसा मिलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की कहानी क्या है वो सुन लीजिए एक बार। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। चलो दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया। कहाँ गया? ठीक है, कंप्लीटली ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए आ जाइए यहाँ पे, देखिए आप लोग पॉजिटिवली, आप लोग ना हेडिंग डाल लीजिए अलग से, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें हम सफिक्स क्या यूज करने वाले हैं? सफिक्स क्या यूज करेंगे? IUM। क्या यूज करेंगे? IUM। आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सबर रखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है दोस्त, कि एक मैं मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, वो मॉलिक्यूल्स है आपका NH4+। अब बताइए इसको अमोनियम बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर। इसका नाम ही क्या है? अमोनियम। अमोनियम, तो ये जो है ना अमोनियम जो है ये आपका पॉजिटिव लिगेंड की तरह काम करता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका NH2 और इधर हो गया आपका NH3+। ठीक है, ये भी अब इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसका नाम है हाइड्रोजीनियम। इसका नाम है हाइड्रोजीन, लेकिन IM हम सफिक्स यूज करते हैं तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजीनियम। हाइड्राजीनियम। चलिए और एक और लिख लीजिए, ये रहा आपका NO+, इसको हम बोल देंगे नाइट्रोसाइल बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोल देंगे? नाइट्रोसिलिनियम। क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिलिनियम। ठीक है, और आखिरी लिगेंड जो है ये है आपका NO2+। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको नाइट्रो बोल देते हैं लेकिन हमें जोड़ना पड़ेगा IM, तो इसको बोल लेंगे नाइट्रोनियम। ठीक है, ये 4 लिगेंड है, इससे ज्यादा कोई लिगेंड नहीं है हमारे पास। मैंने इसलिए लिखा दिया कि क्या पता कि हम इसको छोड़ रहे हैं और ये जो है कहीं एग्जाम में आ जाए तो हमारे लिए सरदर्द ना बन जाए, तो एक बार दिमाग में रहेगा तो कहीं ना कहीं ये क्लिक तो कर ही जाएगा। हाँ अनिश बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? यस सर, अगर लिगेंड पॉजिटिव होगा तो सर वो डोनेट कैसे करेगा? डोनेट करेगा, शर्त ये कि उसके पास पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये रहा नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट तो कर सकता है ना? यस सर। समझ रहे हो? इसीलिए तो ध्यान से सुनिए आप, कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड थे, क्या वहां पे बहुत सारे लिगेंड, नंबर्स ऑफ लिगेंड नेगेटिवली चार्ज बहुत ज्यादा है? अभी तो मैंने बहुत सारा लिखाया नहीं है। इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज में बहुत कम लिगेंड है। समझ गए आप?
यस वो सर, डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाले में, तो यहाँ पर ये देखो ये लिया हुआ है, ये डोनेट कर दे रहा है। सत ये है कि आप जैसे कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, ये रहा आपका नाइट्रोजन, अब देखिए 1s2 2s2 2p3 होता है कि नहीं होता है बताइए। यस सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सही लिखा है। यस सर, पांच इलेक्ट्रॉन देखिए, ये रहा नाइट्रोजन एक एक, ये रहा नाइट्रोजन, यहाँ पे एच 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 प्लस हुआ क्या दोस्त, कि इस नाइट्रोजन के पास अब ये कैसे डोनेट करेगा, कोई बताएगा मुझे? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। कैसे डोनेट करेगा बताओ आप लोग, अमोनिया बहन हमें तो लिगेंड लिखवा दिया, ये डोनेट कैसे करेगा, किसी को आइडिया लग रहा है कुछ? तो रीजन इसका क्या है दोस्त, देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई ये नाइट्रोजन है, ये ना ब्रेक हो जाएगा और फिर लिगेंड डोनेट करेगा, ऐसे डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, इसका एक ही रीजन है। तो अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में ना बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, वो देना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन के पहले से ही कमी है, समझ रहे हो ना? पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, और दे देने का सेंस क्या निकलता है कि भाई साहब उसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहां से देगा, तो इसीलिए बहुत कम पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। लेकिन अगर आप निगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल लिगेंड की बात करोगे तो निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है उसके पास और वो आसानी से देता जाएगा, तो इसलिए इतनी बड़ी लिस्ट बन गई, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज में आपका लिस्ट जो है नहीं बना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाते, ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। चलिए अब आगे देखिए रूल नंबर, जो मैंने आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूं, और ये देखिएगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नॉमेनक्लेचर, हाँ, रूल नंबर डी, सी तो हमने देख लिया, इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स ओनली वन टाइप और मोर देन वन, देन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लिगेंड, टू के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्त, डाई, थ्री होगा तो क्या यूज करेंगे, ट्राई, फोर होगा तो ऑक्टा, उसके हिसाब से फर्दर जाते रहेंगे, नौ होगा तो नोनेन, टेन होगा तो डेकेन, उसके बाद का तो मुझे भी याद नहीं, ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। चलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कि ये भाई साहब जब आपका नॉर्मल लिगेंड है, जितने भी नॉर्मल लिगेंड्स है उनके लिए, लेकिन रूल नंबर डी तो आपने देखा, रूल नंबर डी या इसको ई मार्क कर लीजिए, जो मार्क करना है कर लीजिए, उसी में था, इफ ऑर्गेनिक लिगेंड आर प्रेजेंट मोर देन वन, क्या अगर मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन या देन टू, जो भी हो, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये रहा आपका H2O, ये रहा आपका NH3, ये रहा NH2-, ये रहा आपका ये सारी के सारे लिगेंड क्या है, ये आपके नॉन ऑर्गेनिक लिगेंड्स है, क्या है ये, नॉन ऑर्गेनिक लिगेंड, लेकिन अब मैं आप लोगों के सामने कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स की बात कर लेता हूं, जैसे कि आपने देखा CH2 CH2, और यहाँ पे क्या हो गया NH2 लोन पेयर, ये रहा आपका NH2 लोन पेयर, फिर हमने आपसे ये कहा दोस्तों कि मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया CH3 NH2 मिथाइल एमाइन, ये हो गया, या फिर मैं आपको ये ऑर्गेनिक लिगेंड की बात कर देता हूँ नाइट्रोजन में, जो पिरिडीन है, या फिर और भी बहुत सारे लिगेंड्स हैं,
उनके लिए। अब मैं आप लोगों से ये कहूं कि ठीक है दोस्त, यहाँ पे इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ई एन से, और इसको हम लोग मिथाइल एमाइन बोलेंगे, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखना होगा, और ये पिरिडीन है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को सिंपली पता चल गया कि अगर नॉन ऑर्गेनिक लिगेंड अगर वाटर चार होगा तो हम क्या यूज करेंगे, टेट्राएक्वा। अगर अमोनिया छह है तो हम क्या करेंगे, हेक्साएमीन। अगर मान लीजिए सीओ है, अगर चार है तो टेट्रा कार्बोनिल। लेकिन अब लिगेंड में आ जाइए, ऑर्गेनिक लिगेंड में, ऑर्गेनिक लिगेंड में तो फोकस करिएगा प्रेजेंट मोर देन वन। तो मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स है, ये रहा कोबाल्ट, और इसके बगल में क्या है, ई एन ट्वाइस, क्या है, ई एन ट्वाइस टू प्लस। तो इसको आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कितना ऑर्गेनिक लिगेंड है इस कॉम्प्लेक्स में, टू टू, सब सब एग्री कर रहे हो, कितना लिगेंड है ये, बोल दो यार, दो ही है ना, ऑफकोर्स बगल में टू लिखा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना, अगर मैं टू लिखूं तो टू है, फोर लिखूं तो फोर है, एट लिखूं तो एट है, तो हमने यहाँ पर टू लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बेस। अगर थ्री लिखा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रीस, और फोर लिखा होगा तो टेट्राकिस, और फाइव लिखा होगा तो पेंटाकिस। समझ में आ गई बात, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर लिगेंड का नाम लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, बिस एथिलीन डाई एमाइड, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बिस एथिलीन डाई एमाइड। अब ध्यान से सुनिएगा, बिस लगाने का मतलब हम ये बता रहे हैं कि देखो साहब ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, और दूसरा वाला जो है डाई सिर्फ लगाएंगे तो वो क्या है, नॉन ऑर्गेनिक लिगेंड। क्लियर हो गया सबको? यस सर, यस सर। चलिए, यस सर, अगर मैं यहीं पर एक आया एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं पी वाई फोर, और यहां पर मैं कर देता हूं टू प्लस। अब एक बात बताइएगा, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, टेट्राकिस पिरिडीन, क्या लिखूंगा, टेट्राकिस पिरिडीन। ठीक है, ठीक है, तो बस ऑर्गेनिक लिगेंड में भी आप लोगों को समझ में आ गया, और प्लीज अगर ना समझ में आए तो पूछते रहिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, अगले रूल्स की तरफ, कि भाई नॉर्मल लिगेंड है तो डाई ट्राई टेट्रा, एंड अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक लिगेंड है तो बेस ट्रीस टेट्राकिस पेंटाकिस वगैरह वगैरह, आगे हम बढ़ते चलेंगे। ठीक है, रूल नंबर डी के बाद आता है, सेकेंड डी के बाद रूल नंबर ई। हमने क्या कहा दोस्त, कि इफ देयर इज क्या, मोनोसेंटर्ड आयन कॉम्प्लेक्स विच ओनली वन मेटल आयन। तो हमने अब तक देखा तो सबके सब जगह क्या था, एक ही मेटल था, तो हमने एक ही मेटल रूल फॉलो करा। अब देखिए, एक ही मेटल हर जगह था, हमने देखा कोबाल्ट वगैरह वगैरह जो भी था। रूल नंबर ई में आ जाइए, ई का फर्स्ट पोर्शन में, इफ कॉम्प्लेक्स इज निगेटिव आयन, क्या, इफ द कॉम्प्लेक्स इज निगेटिव आयन देन राइट द नेम ऑफ लिगेंड successfully and the suffix 8 is joined with the metal ion and then oxidation state down bracket roman number। चलिए अब complete structures लिखेंगे। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर मान लीजिए दोस्त कि complex पर अगर कौन सा charge आ रहा है, देखिए यहाँ पर negative है। ठीक है, चलिए एक complex लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, उससे पहले थोड़ा बहुत एक और चीज लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ, एक चीज और लिखना पड़ेगा। बहुत टाइम लगेगा लेकिन लिख देते, चलिए आ जाइए। कुछ मेटल्स हैं, उनके नाम मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ आचल, बोलिए, आप कुछ बोल रही हैं? सर, रूल नंबर टू का जो डी पार्ट है उसको एक बार दोबारा समझा दोगे? एक सेकंड, रुक जाएं, वेट अ मिनट, मेरा काम ही वही है समझाना, और वो ना करो तो फिर मतलब क्या है।
हाँ जी अचल बोली, कौन सा रूल आप बोल रही थी? सर रूल नंबर टू का जो डी पार्ट अभी जो पिछली स्लाइड में था. ये वाला, यस सर. इसमें क्या समझना है आपको बताइए. हाँ जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर इस वाले कोबाल्ट में आ जाइए, इस वाले कॉम्प्लेक्स में एक बात बताइए, ईयर लिखा हुआ है, एथिलीन डाइएमाइड दो लिगेंड है कि नहीं यहाँ पर, टू लिखा हुआ है यहाँ पे. यस सर. तो अगर टू होगा तो ये ऑर्गेनिक लिगेंड है. यहाँ पे देखिए ना, ऑर्गेनिक लिगेंड का मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन है यहाँ पर, एथिलीन डाइएमाइड और नाइट्रोजन है, तो इसको हम बोल देंगे भाई ये ऑर्गेनिक लिगेंड है. और जब ऑर्गेनिक लिगेंड दो होगा तो देखिए, दो की जगह हम क्या यूज करेंगे, बेस. दो की जगह बेस डाइएमाइन, हमने क्या करा, बेस एथिलीन डाइएमाइन लिखा. समझ गए आप? यहाँ पे देखिए चार पिरिडीन है, अगले वाले एग्जांपल में आ जाइए, कितने पिरिडीन है, फोर पिरिडीन है. तो हमने क्या बोला इसको, कि टेट्रा पिरिडीन, यानी कि टेट्रा किस पिरिडीन. ठीक है, अगर मान लीजिए कि थ्री है तो हम क्या लोग यूज करेंगे, ट्रिस, ठीक है, प्रीफिक्स. और अगर फोर है तो हम क्या बोलेंगे, टेट्रा किस. तो हमने यहाँ पर इसलिए यूज करा कि भैया पिरिडीन कितना है, फोर है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल देंगे, टेट्रा किस पिरिडीन. ठीक है, यस सर. अब डोंट वरी, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अभी, आपको और धीरे धीरे क्लियर होगा. कितना टाइम हो यार, 6:50. 6:30, अभी हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ, 25 मिनट. ग्रेट ग्रेट, बहुत हो जाएगा, इतने में तो हम चांद पे चले जाएंगे. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे रूल मैं समझाऊंगा जब मैं सॉल्व करूंगा एक आध दो एग्जाम्पल्स के साथ. तो क्या एग्जाम्पल लिया जाए, क्या एग्जाम्पल लिया जाए, कोई एक तो एग्जाम्पल अच्छा सा, ठीक है यही ले लेते हैं. K4 FE CN6. ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताइएगा कि यहां पर देखिए, इस पर पॉजिटिव आएगा और पूरे कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? ठीक यस सर. है, इतना क्लियर हुआ सबको? चलिए अब इसको थोड़ा ब्रेक करके बता देता हूँ कि भाई ये रहा 4K+, प्लस स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या आएगा, FeCN6, और यहाँ पर 4- आ गया ना, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे एक देख रहे हो कि जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज लेफ्ट साइड में है. अब मैं आपसे बोलता हूँ, हमने सबसे रूल नंबर फर्स्ट क्या पढ़ा था, कि सबसे पहले पॉजिटिवली आयन का नाम लिखेंगे. तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर नाम क्या लिखूंगा, पोटेशियम. कितने यस लोग समझ गए? सर. यस सर. अब उसके बाद से आप देखिए, इतना तो हमने नाम लिख दिया, अब बात आगे बढ़ती है. तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जब आएंगे, क्योंकि हम निगेटिवली चार्ज है, तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये रेज नहीं हो रहा, ठीक है. इफ कॉम्प्लेक्स इज निगेटिवली आयन, कॉम्प्लेक्स यानी कि जो हमारा स्फीयर है निगेटिव आयन, देन राइट द नेम ऑफ द लिगेट सक्सेसिवली एंड द सफिक्स इज एट ज्वाइंट विद मेटल आयन देन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन इन ब्रैकेट. चलिए अब देखिए, आपने पॉजिटिवली चार्ज का नाम लिख दिया, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, तो अब स्फीयर के अंदर भी रूल था कि सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे. किसका नाम लिखोगे? तो ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक ही टाइप का लिगेंड है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भी इनऑर्गेनिक है, तो हम इसको बोलेंगे हेक्सा साइनो. अब देखिएगा, साइनाइड है, लेकिन ओ हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि निगेटिवली चार्ज लिगेंड में सफिक्स ओ हमें जोड़ना था, तो क्लोरीन का था, क्लोराइड का क्लोरीडो, ब्रोमीड का ब्रोमीडो, ऐसा हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो. क्लियर हुआ? चलिए, हेक्सा साइनो. अब इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ये निगेटिवली आयन है तो उसके अंदर मेटल भी है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आयरन है ना, Fe, इसको हम क्या बोल देते हैं, आयरन. तो इसको हम बोल देते हैं फेरस, फेरेट. क्या बोल देंगे, फेरेट. हमने Ate जोड़ दिया इसमें, क्या जोड़ दिया है, Ate जोड़ दिया है. इन्होंने बोला ना कि मेटल के बाद आप सफिक्स क्या जोड़ोगे, एट, तो फेरेट जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका फेरेट. अब बताइए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगा, तो ब्रैकेट में सेकेंड लिख देना.
पूरा नाम पता चल गया, पहले पॉजिटिव पोटेशियम, फिर उसके बाद से नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम और उसके बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया? एक चीज मैंने आप लोगों को बताते बताते भूल गया था, वैसे वो स्लाइड मैंने एड ही नहीं करा था, 25 मिनट है, आराम से हो जाएगा। और मैम या सर जिसकी भी क्लास होगी तो एक बार रिक्वेस्ट कर लेंगे, 5 मिनट। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं ये बताता हूँ, ये रहा आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट यानी कि CO, इसका अगर निगेटिवली चार्ज में होगा ना, कहां से, अगर कॉम्प्लेक्स स्पीयर पे निगेटिव चार्ज आ रहा है और उसके अंदर मेटल है, तो उसमें आप क्या एड करोगे? सफिक्स। क्या ऐड करोगे दोस्तों? सफिक्स ATE। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोबाल्ट से कोबाल्टेट। क्या हो गया? कोबाल्टेट। चलिए अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये क्या हो गया है? निकेल से Ni है, तो क्या हो जाएगा? निकलेट। क्या हो जाएगा? निकलेट। अपनी लैंग्वेज में जो भी टूटा फूटा समझ में आ रहा है, अपने रूल के हिसाब से भी लिखते चलना, ताकि आप लोगों को ही फाइनली समझना है, नॉमनक्लेचर कर रहे हैं। निकलेट हो गया क्योंकि हम एट जो है सफिक्स एट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे क्रोमियम। क्रोमियम में तो ये हो गया आपका CR, तो हम इसको क्या बोल देंगे? क्रोमेट। क्या बोल देंगे? क्रोमेट। एटी जोड़ देना आपको। चलिए अब बात करते हैं आयरन। आयरन है ना, तो यहाँ पे आयरन का मतलब क्या हुआ? Fe, तो इसको हम बोल देंगे फेरेट। क्या बोलेंगे इसको? फेरेट। हाँ, इसका थोड़ा सा आयरनेट नहीं कर रहे हम लोग, फेरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज है, तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा। इसीलिए मैं इसको पूरा लिस्ट बनवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे, लिखते रहिएगा आप लोग साथ साथ। यहाँ पे देखिएगा, कॉपर के लिए तो हम इसको क्या बोल देंगे? CO है ना, सॉरी CU, ये हो जाएगा आपका क्यूपरेट। CU, तो इसको बोल देंगे क्यूपरेट। क्या बोल देंगे? क्यूपरेट। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया दोस्तों सिल्वर का, तो ये रहा Az, इसको हम बोल देते हैं अर्जेंटेट। क्या बोल देते हैं? अर्जेंटेट। इन दो तीन में थोड़ा सा आप लोगों को वेरिएशन मिलेगा, लेकिन याद हो जाएगा जैसे जैसे कराते चले गए। लेड है, LEAD, लेड, यानी कि इसको हम PB बोल देते हैं, और इसका हो जाता है नाम प्लम्बेट। क्या हो जाता है? प्लम्बेट। इतने सारे को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, बाकी सारे पैटर्न तो सेम है, बस आयरन का आपको देखना है फेरेट हो जाएगा, और सिल्वर का अर्जेंटेट, और लेड का प्लम्बेट। ठीक है, आगे बढ़े आप। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पोटेशियम हेक्सा, अब फेरेट हमने लिख दिया, अब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम करते हुए चलेंगे, तो बढ़िया है कि एग्जांपल्स इफ द कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज। हाँ चलिए, एक दो और एग्जांपल्स देख लीजिए इसी में, K4CN से, और अगर मान लीजिए ये ले लेते हैं एग्जांपल K3CR C2O4, और ये हो गया है आपका थ्राइस। अब बताइएगा इसका अगर मैं नॉमनक्लेचर करूंगा तो क्या करूंगा? देखिएगा, सबसे पहले ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम। उसके पास से कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का, फिर मेटल, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए? यस सर। अब बताइएगा यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद जो है ना हम क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो क्यों लिखा? क्योंकि निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर जब हमने ड्रॉ करा था। और बताइए कि ये रहा क्रोमियम निगेटिवली आयन से, ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर, क्रोमेट। और इसके बगल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, तो आप निकालिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, बताइए? 3 आएगा, तो इसको रोमन नंबर में 3 लिख देना है। ठीक है? यस ठीक है।
चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसी दिन बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा, निकालना, वैसे आप लोग निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ा शक नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा और भी निगेटिवली चार्ज है, तभी हम मेटल में 8 जोड़ रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नहीं करेंगे, डोंट वरी, क्लियर होता रहेगा। ये देखिए K3 यहाँ पर आ जाते हैं आपका कोबाल्ट, C2O4 ये हो गया है आपका ट्वाइस, ये हो गया Cl2। चलो दोस्तों अब बताओ, सबसे पहले ये पॉजिटिव और इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो सबसे पहले मेटल पॉजिटिव का नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम। उसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड, फिर मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यही ट्रेंड रहेगा ना? यस सर। ठीक है चलो अब बताओ, लिगेंड में से सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, दो लिगेंड है ना, तो अल्फाबेट में कौन रेस जीत जाएगा? अरे यार बोल तो दो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। देखो इसका नाम क्या है, ऑक्सिलेटो, और इसका क्या नाम है, क्लोरीडो। तो अब बताइए सी पहले आ रहा है और ओ बाद में आ रहा है, तो सबसे क्या लिखेंगे, क्लोरीडो, और उसमें भी दो है तो हम इसका क्या यूज करेंगे, डाई क्लोरीडो। समझ गए आप लोग? यस सर। और इसको क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सिलेटो। डन, डाई ऑक्सिलेटो हो गया। और इसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद कोबाल्ट है, निगेटिवली चार्ज है, तो क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट यस, थ्री कोबाल्टेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के बताइए कितना हो जाएगा, थ्री आ रहा है, तो ब्रैकेट में रोमन नंबर में 3 लिख दीजिए, यही इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर है। डन, यस सर। चलिए बढ़िया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, आप डोंट वरी, परेशान मत हो, ये बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा मैं। 7:15 बाकी है और सर से मैम जो भी हो उनसे 5 मिनट ले लेंगे, ठीक है, थोड़ी स्पीड में करेंगे। ये रहा आपका K2HgI4। चलिए अब बताइए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सबसे पहले नाम यहाँ पर जो है किसका लिखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम, उसके बाद से लिगेंड का नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर। तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा आइडो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलते रहिए आप लोग, क्या लिखेंगे, टेट्रा आइडो। अब बताइए मर्क्यूरिक है लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मर्करी से मर्क्यूरेट, क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। ग्रीन, अब ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आए +2 आएगा तो +2 लिख देंगे, क्लियर। यस सर। चलो अब आ जाइए यहाँ पर लिखते हैं K2, ये रहा प्लेटिनम Cl6। चलिए अब बताइए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज का नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम हेक्साफ्लोराइड, यस हेक्साक्लोरीडो, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 4। डन, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बस ऐसे ही बताते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ जाना समझ में, वहां के लिए तो मैं हूं ही। सो एक और लिख लेते, एक क्या बहुत सारा एग्जांपल करेंगे ताकि आप लोगों को कोई डाउट कोई शक कोई कुछ ना रहे, सारी चीजें दूर करके जाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए आप बताइए इसका नाम क्या होगा, सोडियम। पॉजिटिव नेगेटिव, सबसे पहले पॉजिटिव, तो ये रहा आपका सोडियम, फिर डाई साइनो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। अब बताइए सिल्वर है, सिल्वर को क्या हम अर्जेंटेट बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस यस। तो ये हो गया
अर्जेंटेट और ऑक्सीडेशन स्टेट आई थिंक वन होगा, तो ये वन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। डन सर। डन सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एन आई और यहाँ पर क्या हो गया, सी एन फोर टू माइनस, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिर्फ माइनस दिया हुआ है, आगे पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है। तो पॉजिटिव दिया नहीं है तो फिर डिस्कस ही क्यों करना, सीधा नेगेटिव आयन का लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। मान लीजिए कि इसके आगे के होना चाहिए था, पोटेशियम नहीं है, तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, वो वाले रूल छोड़ दीजिए पॉजिटिव का, नेगेटिव से शुरू करिए। तो सबसे पहले इसमें किसका नाम लिखेंगे, टेट्रासाइनाइड, टेट्रासाइनो। निकिल है तो क्या हो जाएगा, निकिलेट। निकिल है तो क्या हो जाएगा, निकिलेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट आई थिंक सेकेंड, तो सेकेंड। और एक बात बताइए, क्या ये आयन है कि नहीं, तो आयन बगल में लिख दीजिएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने बहुत सारे एग्जांपल तो कर लिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल करना चाहता हूं, लेकिन हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज था तो उनके सारे हमने तो एग्जांपल कर लिए। अब जिन पे पॉजिटिव आएगा उनका क्या करना है, उनको भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि इन्होंने बोला हुआ है दोस्तों, लास्ट वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो दोबारा से। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि आप देखिए यहाँ पर कि अगर इसके आगे क्या होना चाहिए था, कायदे से पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, पोटेशियम के टू। यस सर। लेकिन ये पोटेशियम है नहीं, तो हमारा रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव आयन लिखो फिर नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, निगेटिव आयन से लिखना शुरू करिए। तो निगेटिव आयन में देखिएगा, ये पूरा निगेटिव आयन है आपका, और इसके अंदर क्या है, मेटल और लिगेंड। तो आपको पहले भी पता है, सबसे पहले लिगेंड, फिर मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और आयन है तो बगल में आयन लिख दीजिएगा। तो बताइए, फोर साइनाइड ग्रुप है तो बोलेंगे टेट्रासाइनो, उसके बाद क्या बोलेंगे, निकिलेट, क्योंकि एटी ही जोड़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा और बगल में ये पूरा आयन था तो हमने लिख दिया आयन। समझ गए आप? यस सर। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग देखिएगा, अब तक आप लोगों ने देखा दोस्तों कि यहाँ पर जो रूल नंबर जो सेकेंड क्या बोल रहा था कि इफ द कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव, इससे पहले क्या था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो हमने वो फॉलो करा। अगर मान लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स है ना उसपे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए और न्यूट्रल हो जाए, क्या न्यूट्रल हो जाए चाहे पॉजिटिव चार्ज हो जाए, देन फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड सक्सेसिवली, नेम ऑफ मेटल, आयन, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह वगैरह प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कोई ये फलाना ढिकाना नहीं, सीधा प्रैक्टिस। चलो आ जाइए, यहाँ पे देखिए एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, और अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका NH3 6 और यहाँ पर क्या हो गया है, Cl4। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको एक बार ब्रेक करके दिखाता हूँ बाकी आप लोग समझ जाइएगा हर बार। ये रहा आपका प्लेटिनम हो गया दोस्त, और ये रहा आपका NH3 6, और बताइए प्लस मैं 4Cl माइनस लिखूंगा तो 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या 4 यूनिट इस पे 4 प्लस इस पे आएगा कि नहीं आएगा? Yes, बाकी सब लोग एग्री कर रहे हो इस बात से? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी बोलते रहे, प्लीज मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप एक्टिव रहिए, बोलिए, रेस्पॉन्ड करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे दो चार लोग नहीं है, 28 स्टूडेंट हैं, सो प्लीज 29 मुझे लेके 29 है। तो पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग भी थोड़ा बहुत इसमें इन्वॉल्व करिए, बोलिए, ठीक है, ताकि और अच्छे से आप लोगों को भी क्लियर होता रहे। देखिए अब हुआ क्या कि कोऑर्डिनेशन, इससे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिएगा, ये रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस पर नेगेटिव चार्ज है, मैं व्हाइट कलर से मार्क करता हूं। देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां पर भी आप देखोगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो पूरे एग्जांपल में आपने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो इसलिए मेटल में एटीई जोड़ रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर।
और ये वाला आपका क्या हुआ निगेटिव, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, पॉजिटिव का लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताइए आप लोग। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वही रूल फॉलो करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसका होगा, लिगेंड का, किसका होगा लिगेंड का, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन, अमीन, प्लेटिनम। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब इसके पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो अब जो मेटल का नाम है ना वही नाम लिख देना उसको, प्लेटिनेट, ब्लेटिनेट या सिल्वरेट, चाहे अर्जेंटेट या चाहे फेरेट या क्यूपरेट, मर्क्यूरेट नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, वो तब करना है, नोट कर लीजिए कि जब क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अगर निगेटिव चार्ज है तब मेटल में आप क्या ऐड करोगे, एटीई, मर्क्यूरेट, फेरेट, वेरेट। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब मेटल का नाम वैसे का वैसे ही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा हेक्सा एमीन, और यहाँ पे प्लैटिनम है तो आप क्या लिखोगे, प्लैटिनम। और उसके बगल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, तो 4। और ध्यान से सुनिएगा, हमने लिख लिया ना पॉजिटिव आयन का नाम पहले, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4, लिख लिया कि नहीं लिख लिया पॉजिटिव आयन का? यस सर। अब बच गया Cl4, तो इसका नाम लिख दीजिए क्लोराइड। बाहर वाला लिगेंड नहीं है तो उसमें क्लोरिडो ओलिडो एड नहीं करना है, बाहर वाला क्या है लिगेंड नहीं है ना तो उसमें हम क्लोरिडो एड नहीं करेंगे, सिर्फ लिगेंड में एड करेंगे। डन, चले आगे एग्जाम्पल पे आते हैं दोस्तों, और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बहुत सारे, उम्मीद करता हूँ सारे एग्जाम्पल्स आज डिस्कस कर लेंगे। ये रहा आपका CO कोबाल्ट NH3 4, यहाँ पर जो है आप देखोगे H2O, फिर Cl, दो लिगेंड है, और इसके बाद बाहर आपका Cl है, बताइए Cl बाहर है तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अच्छा आप लोगों को क्लियर दिखाई तो दे रहा है ना, मैंने इतना बहुत करके लिखा हुआ है, yes, sir. दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? अरे यार ये तो बोलो कम से कम, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले पॉजिटिव का लिखेंगे, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ही पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर आप देखोगे कि कौन कौन से लिगेंड है, अमोनिया, वाटर और क्लोरीन, तीन लिगेंड है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे देखिएगा एमीन और एक्वा, अब आप लोगों को समझाता हूँ कि इन दोनों में से कैसे लिखना है। देखिए ये रहा ए डबल एम आई एन, और यहाँ पे वाटर के लिए क्या लिखते हो, ए क्यू यू ए, एक्वा। अब एक बार बताइए पहला वर्ड टाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। तो उसके बाद कौन चेक करोगे, दूसरा वर्ड एम और क्यू, सबसे पहले एम आ रहा है तो सबसे पहले आप एमीन लिखोगे, उसके बाद से वाटर का लिगेंड लिखोगे, एक्वा लिखोगे, ठीक है? तो आप लोगों को यही ट्रेंड फॉलो करना है, हर जगह फॉलो करना है, प्लीज भड़कना मत, और इसको नोट कर लो आप लोग। तो चलिए सबसे पहले लिगेंड, फिर मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर निगेटिव चार्ज। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं टेट्रा एक्वा से। और इसको ध्यान दीजिएगा निगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो क्लोरिडो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। अब बताइए कोबाल्ट है तो हम सीधा कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता तब हम कोबाल्टेट करते, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर तो हम लिखेंगे भाई साहब सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट, ठीक है? यस सर। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, तो बताइए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3 आ रहा है, तो चलिए 3। और इसके बगल में आप देखिएगा ये क्लोराइड है तो इसको क्या लिख देंगे, एज इट इज क्लोराइड, क्लियर हो गया? यस सर। एक दो और एग्जांपल्स। हाँ, ये हुई ना बात। अरे 2 आएगी ऑक्सीजन स्टेट इसकी, कितना आएगा, 2 ऑक्सीजन स्टेट 2 आएगा, चलिए
टू कर देते हैं, डन। आ जाइए ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ प्लीज, सबको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आ रहा प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अब बताइए, इस पे आ रहा है आपका पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे पहले पॉजिटिव का लिखेंगे, तो इसके अंदर मेटल और लिगेंड दोनों है, तो दोनों का, तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा ऑक्सलेट ऑक्सलेटो, नेगेटिव है तो ऑक्सलेटो, ठीक है, ग्रेट, क्या बात है, ऑक्सलेटो हो गया। फिर मेटल का नाम लिखेंगे तो आयरन, क्योंकि आयरनेट वायरेट अच्छा फेरेट नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो सीधा वही नाम लिख दो आप, क्या हो जाएगा, आयरन, क्लियर। यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता दीजिए, ऑक्सलेट पे दो निगेटिव चार्ज होता है दोस्त, कितना, दो, और सल्फेट पे भी दो होता है, तो ये आई थिंक फोर हो जाएगा या थ्री, जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद निगेटिव आयन का लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, सल्फेट, समझ गए आप लोग, यस सर, इसका नाम सल्फेट, तो डन हो गया, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है आयरन को फेरस लिख सकते हैं, क्या आयरन को फेरस लिख सकते हैं, नहीं 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 आयरन लिखिए आप, फेरस मत लिखिए, ठीक है, ओके सर। हाँ मैम, किसकी क्लास है आज, फिजिक्स किसकी क्लास है सर, फिजिक्स वाले सर मैम हो गए, सर बायो की है, मैं हूँ सर, मैं, ठीक है मैम, बस 5 मिनट दे दो प्लीज आप, ठीक है तो कोई ना, आप गुस्सा हो लेना थोड़ी देर के लिए, क्या है इसमें, नहीं नहीं मैं गुस्सा होके क्या करूंगी, आप लो क्लास, ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, एक दो और एग्जांपल समझ लेते हैं, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटा और क्लास ले लूं, लेकिन डर लग रहा है मैम से कहीं पिटाई होगी तो, हाँ सर ये बात तो सही है, डरना जायज है मेरा, Na3CO और ये हो गया है NO26, ठीक है दोस्तों। चलो अब यहाँ पे एक बात बताओ कि नहीं नहीं मैंने गलत एग्जांपल ले लिया है, ये नहीं लेना चाहिए था मुझे, दूसरा कोई एग्जांपल मिल जाए तो शायद काम बन जाए अपना, चलो एक एग्जांपल है, अगर ये तुम लोगों ने बता दिया ना पक्का एक एक चॉकलेट मिलेगा तुम्हें, अब वो ऑनलाइन भेजूंगा व्हाट्सएप करके, खाने का तो नसीब नहीं होगा पर गिफ्ट समझ के रख लेना, ठीक है। NH3 4 और ये हो गया ONO, और यहाँ पे O जो है ना डोनर एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन, और ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया है दोस्तों आपका NO3, ठीक है दोस्त। चलो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, मैं सही हूँ कि गलत, नहीं सही, हाँ मैं सही हूँ, ठीक है। सबसे पहले कौन से लिगेंड का नाम लिखेंगे, टेट्रा एमाइन, उसके बाद से नाइट्रो, नाइट्रो सी पहले आता है ना, नाइट्रो सी में आप देखिए पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो ओ, क्या होगा, नाइट्राइटो ओ, ये हो गया नाइट्राइटो ओ, और उसके बाद आपका पूरा लिगेंड हो गया है, फिर आप लिखोगे क्रोमियम, क्रोमेट, रोमेट, नहीं पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब क्रोमेट, और उसके बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये नाइट्रेट है तो इसको भी एज इट इज नेगेटिव आयन लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, नाइट्रेट, डन, यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताएगा मुझे, ये -1 है और ये भी -1 है, +2 है, कुछ तो होगा, ठीक है, डन, यस सर।
सबके सब जीनियस हो गए हो वैसे तो। क्या ठीक है, अब एक काम करो आप लोग, अठे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साथ में एक और काम कर लेते हैं जब इतना कर ही रहे तो, मैम ने इतना छूट दिया हुआ है। अच्छा क्या मैं गाली सुनने वाला हूँ आज, मतलब वो सुनाई नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख लिया है। अब अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आएगा तो कैसे लिख, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा तो कैसे लिखोगे वो देखो आप यहाँ पे। ये हो गया FeCO5, ये न्यूट्रल है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखोगे कि ये कोबाल्ट NO2 थ्रायस, और यहाँ पे क्या हो गया NH3 थ्रायस, ये हो गया, या फिर यहाँ पे बस इतना ही। क्या ये न्यूट्रल है कि नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज आ रहा है? नो सर। अब ध्यान से सुनो, इसमें है क्या, मेटल लिगेंड, मेटल लिगेंड, मेटल लिगेंड। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड, और फिर उसके बाद से मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, बात खत्म। मेटल मेटल और लिगेंड है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे कैटायन एनायन के ऐसी कोई जिक्र ही नहीं आ रहा कि भाई पहले कैटायन लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव, यहाँ पे ऐसा कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेटल और लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आप नाम लिखोगे लिगेंड एंड देन मेटल। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, कार्बोनिल, और ये हो गया आपका आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, तो जीरो, बात खत्म। यस सर, यस सर। चलो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। ट्राइएमीन ट्राइनाइट्रो कोबाल्ट और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई फलाना ढिकाना नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ लिगेंड का नाम लिख दीजिए सिंपल जैसे लिखना था अकॉर्डिंग टू रूल, और मेटल का नाम लिख दीजिए उसके बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए, सारी कहानी पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बस ब्रीजिंग लिगेंड बाकी है और आप लोगों को अपने एंड से बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप आपके बोर्ड के लिए, आपके नीड के पर्पज के लिए ये दोनों सक्सेसफुली आप लोग डिफेंड कर लो। तो आप एक आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप जगोगे, जब भी जगना होगा, जब भी सोना होगा, जब भी पढ़ते हो आप, अपना एनसीईआरटी चाहे बोर्ड का जो भी किताब होगा उसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिखे होंगे, आंख बंद करना, किसी पे उंगली रख देना और चार पांच ऐसे 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो अगली क्लास में बोलना कि सर सॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? यस सर। Yes. और एक और काम करना है, आप यहाँ पे जितने लोग हो, 10 बजे क्लास होने वाली है, जीओ से स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छे से स्टार्ट करूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, तो सबको आना है, सबको इनविटेशन दे रहा हूँ, कार्ड नहीं भेज रहा, बस मुंह से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा वाटा।